हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क क्या होता है। देखते हैं कि साधारण ब्याज, जैसे मैंने मान लिया कि मूलधन 100 रुपये, कितने रुपये 100 रुपये, और रेट है, रेट यानी 10%, दर 10%, और टाइम है 2 ईयर यानी कि 2 साल। तो मूलधन कितना है 100 रुपये, और रेट है 10%, और टाइम है 2 ईयर। तो हमें क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। SI क्या होगा, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI निकालेंगे, SI निकालेंगे मूलधन 100 रुपये और रेट 10% और टाइम 2 ईयर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 210 2 जा 20, कितने रुपये आया ब्याज, 20 रुपये ब्याज आया। तो 2 साल का 20 रुपये ब्याज आया, तो 1 साल का कितने रुपये होगा, 10 रुपये। 1 साल का 10 ही रुपये तो होगा, और आगे वाले साल का 10 रुपये हो जाएगा। तो 20, मैं इसी प्रकार अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाता हूँ। क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1+ रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। तो मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपये, 1+ रेट 10% अपॉन 100 और पावर में टाइम यानी 2 ईयर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 100 × इसको सोल लघुत्तम लेंगे, LCM लेके सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 110 अपॉन 100, और पावर में 2 है तो मल्टीप्लाई 2 बार आ जाएगा ये 110 अपॉन 100। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से, और इसके माइनस में मूलधन भी है। क्या है, माइनस में मूलधन माइनस 100 रुपये, मूलधन अपना 100 रुपये था, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, और 0 से 0, ठीक है, 11 11 121 माइनस 100 यानी कि 21 रुपये। तो देखो, 2 साल का 100 रुपये मूलधन, और रेट 10% और टाइम 2 ईयर्स। तो इसमें साधारण ब्याज तो आया 20 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज आया 21 रुपये, यानी कि SI आया 20 रुपये और CI आया 21 रुपये। तो देखो, 2 साल में ही वही मूलधन और वही टाइम, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में 1 रुपये बढ़ गया। और ये ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ जानने के लिए देखते हैं मूलधन यानी कि एक एक ईयर का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इसी रेट पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखते हैं। तो यानी कि साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ मैं, SI क्या निकाल रहा हूँ, साधारण ब्याज। तो मूलधन 100 और रेट 10 और टाइम 1 साल ले लिया, और अपॉन 100, तो कितना रुपये आ गया, 10 रुपये, कितना रुपये आया, 10 रुपये। और ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालूँ मतलब CI, क्या निकालूँ, CI। CI क्या होगा, मूलधन गुणा 1+ दर, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 110/100 -100, ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 110 -100 यानी कि 10 रुपये, कितने रुपये आ गया, 10 रुपये। तो 1 साल का तो SI और CI दोनों सेम आ रहे हैं, और 2 साल में ये चीज़ फर्क आ रही है। तो 2 साल में ये फर्क क्यों आ रही है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये SI तो अगले साल निकालेंगे, अगले साल का, 1 साल का तो मैंने यहाँ निकाल दिया, अगर नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो मैं यहाँ पे निकाल दूँ मतलब है, तो उसमें मूलधन 100 रुपये ही होगा। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसका मूलधन मिश्र धन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अब 1 ईयर का तो मैंने ये निकाल दिया, अब आगे मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 110 रुपये मूलधन पे निकलेगा, कितने रुपए पे, 110, 100 रुपये तो मूलधन पहले था और 10 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि 110 हो गया, 110 × 110 अपॉन 100 माइनस 110, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 111 121 121 माइनस 11, 121 माइनस 110 यानी कि कितना, 11 रुपये आ गया ना, क्या कितने रुपये आ गया। देखो, ये मतलब साधारण ब्याज तो 10 ही रुपये बनेगा अगले साल का, साधारण ब्याज तो सेम सेम बनता रहेगा, चाहे 5 साल का होगा तो 100 रुपये का 10 10 रुपये बढ़ता रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि इसमें 1 साल का ब्याज होने के बाद उसमें ब्याज में मूलधन बनेगा, वो ब्याज में ऐड हो जाएगा, मूलधन ब्याज ऐड होकर मिश्र धन वही मूलधन बन जाएगा अगले साल। यानी कि अब हम 110 का निकालें तो अब अगले ये निकालेंगे, अगले के निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, मान लें थर्ड तीसरी साल का निकालेंगे तो 110 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
121 रुपये निकालेंगे, कितने रुपये का, 121 इंटू 110 अपॉन 100 माइनस 121। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ब्याज बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में ये डिफरेंस क्यों होता है और चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा क्यों लगता है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा इसीलिए लगता है कि इसमें एक साल के बाद जो ब्याज होता है वही मूलधन में ऐड होकर आगे मूलधन बन जाता है, जिससे उसके ब्याज बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए।